हाय गाइस, तो आज का मेरा टॉपिक है कि इस पर गियर के न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था डिजाइन प्रोसीजर फॉर इस पर गियर, उसमें थ्योरेटिकल थे सारे फॉर्मूले थे, जो जो डेटा बुक की रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट थी। तो बेसिकली हम इस वीडियो में केवल और केवल न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व दी इस पर गियर डिज़ाइन न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ, उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल ऑफ स्पर गियर। इसमें न्यूमेरिकल में क्या है, ए पेयर ऑफ स्ट्रेट टीथ स्पर गियर इज टू ट्रांसमिट 20 किलोवाट व्हेन पिनियन रोटेट्स एट 300 RPM, द वेलोसिटी रेशियो इज 1:3, द अलाउबल स्टैटिक स्ट्रेस फॉर पिनियन एंड गियर इज 120 MPa एंड 100 MPa रिस्पेक्टिवली। द पिनियन टीथ हैज 15 टीथ, इट्स वेट विथ इज 14 times टू द मॉड्यूल। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, मॉड्यूल कैलकुलेट करना है, देन फेस विथ कैलकुलेट करना है, पिच सर्कल डायमीटर फॉर बोथ पिनियन एंड गियर, पीसी निकालना गियर और सॉरी पिनियन डायमीटर निकालना गियर और पिनियन दोनों के लिए, स्टैंड पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ ओनली टेकिंग कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ डायनेमिक लोडिंग, द टूथ फोर्सेस फैक्टर वाई हमें यहाँ पे दिया गया है ये, और सी वी भी दिया गया है यहाँ पे, तो दोनों चीज़ें दे दी गई हैं, तो हमें कहीं ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कैलकुलेट करने में। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डब्लू टी हमने बोला था वहाँ पर डिजाइन जब अभी बताई थी थोड़ी देर पहले नेक्स्ट वीडियो में। तो डब्लू टी सबसे पहले हम गिवन लेते क्या है, पी हमको दिया है गिवन में पी दिया है हमें कितनी 20 किलो वॉट, तो ये हो जाएगा 20 × 10³ वॉट। नेक्स्ट हमारा दिया गया पिनियन का रोटेशन 300 RPM, ये दिया गया। दूसरा वेलोसिटी रेशियो दिया गया है VR TG/TP, तो ये हो जाएगा 3। दूसरा अलावा स्टैटिक स्ट्रेस दिया गया सिग्मा OP 120 N/mm² एंड सिग्मा OG दिया गया गियर के लिए 100 N/mm². TP हमको दिया गया 15। निकालना क्या, सबसे पहले हमको मॉड्यूल निकालना है। मॉड्यूल के लिए हम क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला आता है WT इज इक्वल टू P/V × CS। ठीक है, तो V की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी जो निकालते हैं पाई, हम पिनियन के लिए निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो पाई DP NP डिवाइडेड बाय 60। तो पाई DP क्या होता है, DP को हम क्या लिख सकते हैं, MTP, तो पाई × M × TP × NP डिवाइडेड बाय 60। तो पाई की वैल्यू 3.14, मॉड्यूल कैलकुलेट करना है, TP नंबर ऑफ टीथ फॉर पिनियन क्या दिया गया है, TP क्या दिया गया 15 × NP रोटेशन पर मिनट 300 RPM जो दिया गया डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ से V हमारा जो आएगा वो आएगा 0.236 मॉड्यूल मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी V की वैल्यू आई। अब हम निकालेंगे टेंजेंशियल टूथ लोड, तो ये V की वैल्यू आ गई, ये हमारा मॉड्यूल है। नेक्स्ट हम निकालते हैं टेंजेंशियल टूथ लोड, हम स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। तो टेंजेंशियल टूथ लोड क्या हो जाएगा, WT P/V × CS। ठीक है, तो पावर हमें कितनी दी गई है, 20 × 10³ गिवन है ये, डिवाइडेड बाय V कितना हो गया 0.236 मॉड्यूल इंटू सर्विस फैक्टर 1 होता है हमारा, ये डेटा बुक में पता चल जाएगा किस किस के लिए 1 होता है किस किस के लिए नहीं होता, वैसे मैक्सिमम केसेस में 1 ही रहता है, जब आप नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आइडिया आ जाएगा इसका। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 547, इसको सॉल्व करोगे ऊपर तो हो जाएगा 54746 डिवाइडेड बाय m न्यूटन टेंजेंशियल लोड,
यहाँ पे सी वी की वैल्यू निकालेंगे, 3/3 प्लस वी कितना, 3/3 पर बैलिस्टिक वैल्यू कितनी आ गई, 0.236 मॉड्यूल। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे इसमें, टूथ फॉर्म फैक्टर फॉर पिनियन। नेक्स्ट टूथ फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर में स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं, फॉर्म फैक्टर फॉर पिनियन क्या हो जाएगा, टूथ फॉर्म फैक्टर फॉर पिनियन वैल्यूज दी गई है वाईपी की, तो वाईपी जो दिया है हमारा गिवन 0.154 माइनस 0.912 डिवाइडेड बाय टी पी, पिनियन के लिए निकाल रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा 0.154 माइनस 0.912 डिवाइडेड बाय टीपी की वैल्यू कितनी गई है, टीपी की वैल्यू हमारी 15 है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट जब करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0932, यहाँ से ये हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू। अब हमने पिनियन के लिए निकाल लिया, अब हम गियर के लिए निकालेंगे, टूथ फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर फॉर गियर, तो गियर के लिए भी सेम हम लगाएंगे यहाँ पे 0.154 माइनस 0.912 डिवाइडेड बाई टी जी, टी जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टी जी अपॉन टी पी का रेशियो हमको 3 दिया गया था, तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा टी पी इंटू 3, तो ये जाएगा 0.154 माइनस 0.912 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 15, तब कल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो वाई जी की वैल्यू आएगी हमारी 0.1337, तो ये दो वैल्यू हो गया, वाई पी की वैल्यू आ गई 0.0932 और ये हमारी वाई जी की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे क्या जो थर्ड स्टेप हमारा था, सिग्मा नॉट, या दोनों के लिए सिग्मा नॉट की वैल्यू जो हमने यहाँ लिखी थी, ये सिग्मा नॉट इंटू वाई गियर और पिनियन के लिए बोथ के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो चलते हैं हम यहाँ पे आते हैं, तो सिग्मा ओपी अभी पिनियन के लिए कर रहे हैं इंटू वाई पी, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 120 इंटू 0.0932, ये आ जाएगा हमारा 11.134। अब हम गियर के लिए ओ जी इंटू वाई जी, तो ये 100 थी इंटू वाई जी की वैल्यू कितनी आई है 0.1337, तो आएगा 13.737 सॉरी। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू कम है, हमारी पिनियन की वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू इसके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस द वैल्यू ऑफ सिग्मा नॉट पी इंटू वाई पी इज लेस देन सिग्मा नॉट ओ जी, सिग्मा ओ जी इंटू वाई जी, देयरफोर क्या हो जाएगा, देयरफोर पिनियन इज वीकर। आप कैलकुलेट कर रहे हैं, वैसे मैक्सिमम केसेस में पिनियन वीकर रहता ही है। नाउ यूजिंग लुईस इक्वेशन अप्लाई करेंगे टू द पिनियन। ठीक है, जब लुईस इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, लुईस इक्वेशन का फॉर्मूला ये है, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू इंटू बी इंटू पाई इंटू एम इंटू वाई पी, पिनियन के केस के लिए लुईस फॉर्म फैक्टर, तो सिग्मा डब्ल्यू क्या था, सिग्मा नॉट पी इंटू सी वी इंटू बी इंटू पाई इंटू एम इंटू वाई पी, तो सिग्मा नॉट इंटू सी वी इंटू, ठीक है। अब डब्ल्यू टी की वैल्यू हमने यहाँ पे पहले ही कैलकुलेट कर ली थी, जो हमारा न्यूमेरिकल था ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, ये वी की वैल्यू से टी की वैल्यू यहाँ से निकाली थी, उसके बाद हमने डब्ल्यू टी की वैल्यू यहाँ पे ये निकाली थी 8.4 आएगा कैलकुलेट करने के लिए।
ठीक है, 84746 डिवाइडेड बाय मॉड्यूल, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करके, जो मैंने यहाँ से निकाली, इसको इक्वेशन वन कर दिया, यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन टू, वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन पुट इन इक्वेशन टू, तो डब्ल्यू टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 84746 डिवाइडेड बाई मॉड्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ओ पी की वैल्यू कितनी, 120 इंटू सी भी क्या हो जाएगा हमारा, 3/3 प्लस वी की वैल्यू जो भी थी 0.236 मॉड्यूल, ठीक है, इंटू 14, वी कितना है 14 m, 14 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल जैसा कि न्यूमेरिकल में दिया था, मैं वहाँ पे लिखना भूल गई थी, ठीक है। वी इज इक्वल टू क्या, 15, यहाँ पे वी इज इक्वल टू 15 मॉड्यूल, ये यहाँ पे न्यूमेरिकल में गिवन था, टाइम्स ऑफ द मॉड्यूल, ठीक है। तो ये हो गया 14 m इंटू पाई इंटू m इंटू 0.0932, तो ये कैलकुलेट होके आएगा हमारा 1476 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 0.236 मॉड्यूल, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 84746 डिवाइडेड बाय मॉड्यूल। जब यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे इक्वेशन को पूरा, तो आ जाएगा हमारा 3 प्लस 0.236 मॉड्यूल इज इक्वल टू 0.0147 मीटर क्यूब, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 8 mm आ जाएगा। ये हमारी मॉड्यूल की वैल्यू आ गई, फर्स्ट आंसर आया हमारा मॉड्यूल, ठीक है, 8 mm मॉड्यूल आया। अब नेक्स्ट निकालना है हमको क्या, न्यूमेरिकल में दिया गया था फेज विड्थ, तो सेकेंड पार्ट था आपका वो फेस विड्थ था इसका, सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन मुझे मॉड्यूल निकालने के लिए, फेस विड्थ इज इक्वल टू का वी इज इक्वल टू 14 मॉड्यूल था, तो वी इज इक्वल टू 14 इंटू 8, तो ये हो जाएगा हमारा 112 mm, ये हमारा आ गया फेस विड्थ, फटाक से निकल आया, एक चीज़ निकल आई। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या था, पिच सर्कल डायमीटर फॉर गियर एंड पिनियन, पिच सर्कल डाया फॉर गियर एंड पिनियन, ठीक है, तो क्या है टीपी, डीपी इज इक्वल टू एम टीपी एंड डीजी इज इक्वल टू एम टीजी, तो एम टीपी क्या है मॉड्यूल हमारा 8, जो हमको मेन मॉड्यूल था हमने निकाल लिया, टीपी था हमारा 15, तो ये हो जाए 120 mm, और यहाँ पे मॉड्यूल 8 है हमारा, टीजी कितना था आया, टीजी हमारा आया था 45, 3 है इस टू 3 कर देंगे तो आ जाएगा 45, तो ये हमारा गियर का आ जाएगा 360 mm, तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो भी डाउट पूछना हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा जो भी रेगुलर नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचते रहें।